आज गुड इवनिंग इंडिया पर हमारी अगली मेहमान हैं माधवी शर्मा जी, जो पाठक और किताबों के बीच की इस दूरी को कम करने के लिए अपने जीवन को लगा चुकी हैं। स्वागत करते हैं माधवी शर्मा जी। नमस्कार। आप फूड फॉर थॉट फाउंडेशन की को फाउंडर हैं। हाँ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू प्रिया, थैंक यू दूरदर्शन कि हमें बुलाया है आज जी। आपसे बातचीत तो हम करेंगे, जानेंगे फूड फॉर थॉट फाउंडेशन के बारे में, पर उससे पहले दर्शकों को दिखाना चाहेंगे फूड फॉर थॉट फाउंडेशन पर ये वीडियो। This can ignite a reading revolution. A nation with unenlightened citizens is a dangerous proposition. In India, today we witness a similar trend with 315 million of our population still having no access to books. A nation with unenlightened citizens is one whose citizens are prone to the feeling of shame, frustration, loneliness and fear, making them vulnerable and reclusive, hence endangering nation's progress. Food for Thought Foundation wants to change this with your support and believes in providing access to books by building libraries and rekindling the joy of reading where books are already available. As noble citizens, we love our nation and we take great pride in donating blood, kidney, heart and other organs. But we don't donate books and are okay with keeping our books idle. So how does this work? Food for Thought Foundation collects idle books from homes, schools, offices and societies. The books could be storybooks, novels, journals, magazines or reference book in any language for any age. The books are then segregated according to readers' capability and language and allocated in the tracker. Based on the demographics of the identified school, community or public library, the books are dispatched and rotated every 6 months. Location where books are available, volunteers conduct joy of reading sessions at schools to encourage reading. We call for your support to help build libraries and rekindle the joy of reading. As an individual or team, you can donate books, adopt a library, or volunteer your time to conduct Joy of Reading sessions. As a corporate, you can give us a chance to become your CSR partner. Each bit of your kindness is a step towards building an enlightened nation. Madhavi ji, अभी हमने इस वीडियो में देखा Food for Thought Foundation के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे कि Food for Thought Foundation किस तरह की activities करता है और ये जो आइडिया है बुक्स और रीडर्स के बीच में एक गैप जो है उसे कम करने का, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसका क्रियान्वयन आप कैसे करते हैं? बिल्कुल प्रिया, बेसिकली मैं आपको पहले शुरुआत में बताऊं कि व्हाट इज़ द फिलॉसफी कि वाई कि हम लाइब्रेरीज के अंदर क्यों आएँ। अगर आज हम आसपास देखें कि हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि बस पढ़ाई करो, पढ़ाई कीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक देश प्रगतिशील हो और उसके साथ जो लोग जुड़े हैं, आज ठीक है आपने एजुकेशन दे दिया, लेकिन अगर हमने उनको गुड सिटीज़न नहीं बनाया तो वो प्रगति में आपको दिक्कत होगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी से अगर हमने बच्चों को आदत करा दी कि आप धीरे धीरे किताबें पढ़ें, क्योंकि जो हम एकेडमिक्स पढ़ते हैं उससे उसकी कम्प्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को बाकी चीज़ों का भी ज्ञान दें ताकि वो उस पद पे चल सके जी। तो इस फिलॉसफी पे हमने ये तीन चीज़ें अभी हमने शुरुआत की हैं। सबसे पहले ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है। सो इट कैन बी अ स्कूल, विलेज हो सकता है जहाँ पे हम कम्युनिटी लाइब्रेरी बिल्ड करना चाहते हैं, या कोई भी जहाँ पे जगह पे हो जो वो चाहते हैं कि यहाँ पे लाइब्रेरी हो। फिर जैसे हमने वहाँ पे लाइब्रेरी बना दी, अब उसमें सेकेंड चीज़ आती है कि हम वहाँ पे बच्चों को मदद करें उन किताबों को पढ़ने में, क्योंकि बच्चे को आदत नहीं है किताब पढ़ने की। उसको मैथ्स आता है, साइंस आती है, इंग्लिश आती है, और उसको आदत है मुझे पढ़ना है। लेकिन जब आप उसके सामने इतने प्रकार के अलग अलग किताबें रख देंगे तो उसको नहीं पता कि मैं किसको उठाऊं और इसमें मैं क्यों पढ़ूं, इसमें मुझे क्या मिलेगा। तो उसकी भी जानकारी हमारे वॉलंटियर्स जो होते हैं वो जाते हैं स्कूलों में या जगह जहाँ भी हमारी लाइब्रेरीज हैं और वहाँ पे उनको जॉय ऑफ रीडिंग के थ्रू समझाते हैं कि आपको इस किताब में क्या मिलेगा, आप उसको क्यों पढ़े उसको। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों को शायद पता ही नहीं होता कि हमें इस सब्जेक्ट में दिलचस्पी है जब तक वो उसकी किताब नहीं पढ़ते। तो कैसे आप ये
चूज़ करते हैं कि बच्चों को इस तरह की किताबें हमें देनी चाहिए? जब हम एक लाइब्रेरी डिज़ाइन करते हैं, जब मैं स्कूलों की बात करती हूँ, तो हम लोग 200 किताबें देते हैं। और किताबें देने के पहले हमारी प्रिंसिपल से इंटरेक्शन होती है, हम उनसे पूछते हैं आपके स्कूल में कोई लाइब्रेरी है तो है, तो उसके अंदर क्या है आपके पास किताबें, और अगर लाइब्रेरी नहीं है तो ठीक है, हम उनसे कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि आपके बच्चे कौन सी भाषा पढ़ सकते हैं ज़्यादा, कौन से कम पढ़ सकते हैं, कौन सी क्लासेस के हैं। फिर उस पूरी इंफॉर्मेशन के बाद हमारी जो टीम है उसमें हम लोग सेग्रीगेट स्टार्ट करना करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी हम लाइब्रेरी खोलते हैं इट इज़ कम्प्लीटली थ्रू बुक डोनेशन। ओके, हम कोई भी किताब खरीदते नहीं है। हम लोग स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में, सोसाइटीज़ में, वहाँ से किताबें इकट्ठे करके एक जगह लाते हैं और लाने के बाद फिर अब हम जब हमारे पास किसी भी स्कूल से या कहीं से भी इंक्वायरी आती है कि हमें लाइब्रेरी चाहिए, तो उनकी वो पूरा तैयार करके केस स्टडी उनको उसके अंदर हम सेग्रीगेट करके देते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि हर प्रकार की किताब जाए, क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता डिफरेंस कि फिक्शन, नॉन फिक्शन या फिर ऑटोबायोग्राफी या जनरल नॉलेज, कुछ नहीं पता। इसलिए उसको जरूरी है कि उसको दिखाना एटलीस्ट एक एक किताब तो भेजो, ताकि उसको कैटेगरीज पता चले कि दुनिया में कितने प्रकार के किताबें हैं और हर किताब अपने में एक इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो उसको नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम लोग वो पूरे 200 का एक बंच बना के फिर स्कूलों में देते हैं। और ये भी हम देखते हैं कि हमारा मेजर जो एनजीओ का पर्पस है कि सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बनाना, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मॉनिटर करते हैं हम रेगुलर बेसिस पे कि क्या बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, पहली चीज, और किस तरह की किताबें पढ़ने में किस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं। और इसलिए हम प्रिंसिपल से या जिससे भी हम लाइब्रेरी का टाई अप करते हैं उनसे हर हफ्ते कहते हैं, उन्हें एक फॉर्मेट दिया गया रजिस्टर का कि प्लीज उसको फोटोग्राफ खींच के हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, और हम उन सब की अपने लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं और हर क्वार्टर एक रिपोर्ट जनरेट करके उन स्कूलों को या उन कम्युनिटी लाइब्रेरियों को वापस करते हैं। कि इससे आपको पता दिखाई देगा कि पिछले 3 महीने में कितने लोगों ने किताबें पढ़ी हैं और किस प्रकार के किताबें पढ़ रहे हैं। अब इसके 2 फायदे हैं, एक प्रिंसिपल या कम्युनिटी इंचार्ज जो भी हैं उनको ये पता चल जाएगा कि इस कैटेगरी की किताबें पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ों को हाथ नहीं लगा रहे। अब ये आगे जब वॉलेंटियर्स आएंगे या वो खुद आगे जाके पता कराएंगे कि उनमें क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको पढ़ने में, और फिर उसको मोटिवेट करेंगे बच्चों को कि नहीं आप इन किताबों को भी पढ़ो, ये बहुत आसान होता है। तो ये तो हुई विषयों की बात, लेकिन अगर हम भाषा की बात करें तो क्या हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी आप किताबें स्कूलों तक या बाकी लाइब्रेरीज तक पहुंच जाती हैं? जैसे हम स्कूलों की शुरुआत में बात करते हैं, अगर 200 किताबें की बात करते हैं हम, तो उसमें हम 50 स्टोरी बुक्स मैंडेटरी जो भी वहाँ का लोकल लैंग्वेज है हम उस भाषा के जरूर भेजते हैं, और बाकी 150 हम इंग्लिश में डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये जो 50 हम इसलिए भेजते हैं ताकि उन स्कूलों में आज तक कभी लाइब्रेरी बनी ही नहीं है, तो बच्चे को पता ही नहीं लाइब्रेरी होती क्या है। तो पहले प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंट जॉब है कि वो बच्चों को उस तक लेके आए, तो उसके लिए जब अगर वो उनसे जो उनको भाषा आती है जो आसान है समझने में, जब उनको वो किताबें दिख जाती है तो वो अंदर आना शुरू करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे हम उनको धीरे इंग्लिश की तरफ ले जाते हैं और फिर दिखाते कि इसमें भी आसान है। और जब हम इंग्लिश की किताबें भी देते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम चारों लेवल की किताबें दे रहे हैं, ये नहीं कि आपने सीधा उस लेवल की दे दी वो जब बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करके हम सेग्रीगेट करके उनको देते हैं और उससे कहते हैं कि आप उसके हिसाब से वो पढ़ के फिर हमें बताए कि क्या है। तो आपने जैसे अभी बातचीत के दौरान बताया कि जितनी किताबें आप लाइब्रेरीज में भेजते हैं वो किताबें मूल तौर पर डोनेशन से कलेक्ट की हुई किताबें होती हैं, तो ये जो डोनेशन, ये जो कलेक्शन का प्रोसेस है ये कैसे रहता है? इसलिए इसमें क्या होता है प्रिया, कि हम लोग यूजुअली फेसबुक में कैंपेनिंग करते हैं, हमारे जो वॉलेंटियर्स है हर स्टेट में है वो फ्लोस पे जाते हैं, स्कूलों से कांटेक्ट करते हैं, कॉलेज से कांटेक्ट करते हैं, कॉर्पोरेट से कांटेक्ट करते हैं कि आप क्या बुक डोनेशन कैंपेन कराना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ हमें रेगुलरली परमिशंस मिलती जाती है हम उसको फ्रीक्वेंट बनाते हैं कि हमारे स्टॉक में हमेशा 5,000 किताबें होनी चाहिए, ये हम लोग कोशिश करते हैं मेंटेन करने की। तो इसलिए जैसे जैसे स्टॉक आपको पता है खत्म होता जा रहा है, इमीडिएटली वॉलंटियर्स
को अलर्ट किया जाता है कि आप स्टार्ट कर दीजिए अब कैंपेन करना. प्लस हमारे पास रेगुलरली फेसबुक पे या हमारी ईमेल आईडीज़ पे इंक्वायरीज आती है कि हम बुक डोनेशन कैंपेन करना चाहते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल डोनर्स, जो इवन 10 किताबें हैं वो बड़ी फ़ोन करके हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि मुझे 10 किताबें आप मुंबई से ले सकते हैं क्या. और ये चीज़ इसलिए आई है क्योंकि हर किताब जो मेरे पास आते हैं हम उनको रजिस्टर्ड पे ले करते हैं. ट्रैकर के अंदर एक बारकोड जनरेट किया जाता है और अगर आपने मुझे सिर्फ 5 किताबें दी हैं आपको एक लॉगिन और पासवर्ड दिया जाता है. अच्छा, आप मेरी मेल आईडी पे वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आपकी 5 किताबें आज के दिन कौन सी लाइब्रेरी में दी गई है और आज के दिन कौन सा बच्चा उसको पढ़ रहा. क्या बात है. तो उस चीज़ से जो इंडिविजुअल डोनर्स होते हैं, जिन्होंने मतलब जो बुक लावर्स कहते हैं अपने घरों में रखे हुए हैं 200-200 किताबें, अब उनमें वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरी किताबें सही जगह जा रही हैं और उसकी वजह से वी गेट लॉट ऑफ इंक्वायरीज. क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट भी होता है अपनी किताबों के साथ, क्योंकि उनके लिए अब वो किताब नहीं है. हाँ. उनके लिए वो एक ना जस्ट लाइक अ बेबी है. तो उनके लिए शुरू में हमें बहुत दिक्कत हुई, तो फिर हमें समझ में आया. तो फिर जब हमने ये सॉफ्टवेयर बना के उनको प्रैक्टिकली दिखाया, द कॉन्फिडेंस हमने जो गेन किया इंडिविजुअल डोनर्स पे कि नाउ अभी हमें बताने की जरूरत ही नहीं एवरी डे वो, क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंस पास इट डाउन हो जाता है. तो एक डोनर ने हमें डोनेट किया, अब उसने अपने फ्रेंड को कह दिया, अपने रिलेटिव्स को कि नहीं आप इसको जाकर डोनेट कीजिए, हमें दिखता है कि हमें पता है इस चीज़ कहाँ जा रही. तो वो एक चेन बन गई है और एक नेटवर्क बन गया जिसकी वजह से हमें रेगुलरली उसकी डोनेशंस मिलती है. पर ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि आप ये कोशिश करती हैं कि अगर 200 किताबें एक स्कूल में या एक लाइब्रेरी में जा रही हैं तो वो अलग अलग विषयों पर हों और अलग अलग भाषाओं में हों. तो जब केवल डोनेशन से आप कलेक्ट कर रहे हैं किताबें, तो क्या ये जो एक जो बैलेंस है वो आप बना पाते हैं, इस तरह से अलग अलग किताबें आपको मिल जाती हैं आसानी से. उसके लिए क्या होता है प्रिया, कैंपेनिंग हमेशा एक स्पेसिफिक जगह नहीं की जाती. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हर जगह की किताबें आएँ तो आपको कैंपेनिंग अलग अलग जगह करनी होगी. क्योंकि जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको किताबें अलग मिलेंगी, जैसे मैं सोसाइटी में जाऊंगी कलेक्शन अलग मिलेगा. तो उस तरह से अलग कैंपेनिंग करने से हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ बुक्स है वो डिफरेंट आती है. हाँ, हमें सिर्फ दिक्कत आती है रीजनल बुक्स में, जो लोकल लैंग्वेजेस बुक्स है, जो हम वर्नैक्युलर लैंग्वेज बोलते हैं. क्योंकि डोनेशन में आपको कभी भी कोई घर पे अपना लैंग्वेज की किताब नहीं पढ़ते. सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, या जो भी आप कहना चाहते कहें, वी विल गेट ऑल इंग्लिश बुक्स. तो वहाँ पे हमें सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि हम लोकल या वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस की किताबें कहाँ से लाएं. और यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ता है डोनर्स, जो स्पेसिफिकली हम उसको वी रन अ कैंपेन्स कि आप अपने बर्थडे पे सिर्फ 100 किताबें जो आपकी खुद की मदर टंग की लैंग्वेज की है खरीद के गिफ्ट कीजिए, सो दैट एक स्कूल की लाइब्रेरी या एक जगह की लाइब्रेरी बन जाएगी. सो इस कैंपेनिंग के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हम डोनेशंस रेज करें सिर्फ वो वर्नैक्युलर लैंग्वेज की बुक्स के लिए. तो अगर लाइब्रेरीज की बात करें तो यहाँ केवल बुक्स हैं या ऑडियो विजुअल कंटेंट भी होता है बच्चों को और बाकी पाठकों को एनकरेज करने के लिए, उनको एड करने के लिए? अभी हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है. जो फाउंडेशन का कंसेप्ट है कि ना हम सिर्फ लाइब्रेरी बनाएंगे, ना सिर्फ जॉय ऑफ रीडिंग करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो धीरे धीरे किताबों से गायब होती जा रही है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस हेरिटेज या उस कल्चर को सेव करें. तो इसलिए हम लोगों ने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है जहां हम कहते हैं कि कोई भी फोक स्टोरी जो आपने अपनी दादी से, परदादी से या दादाजी से सुनी है और आप चाहते हैं कि वो वापस लोग या बच्चे सुने, आप वो हमें शेयर करो जी. और हम उसको 3 मिनट की एनिमेटेड वीडियो में बना के उस वीडियोज़ को वापस स्कूलों में भेज रहे हैं, लेकिन एज अ स्टोरी. क्योंकि अब वो स्टोरी बुक में नहीं मिलने वाली आपको, वो अब आजकल कोई प्रिंट नहीं करता है. लेकिन ये सब स्टोरीज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज गोइंग बैक टू अवर कल्चर. बिल्कुल, एक ऐसी ही स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की है और हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे. How did Krishna die? After the Mahabharata war ended and Yudhishthir was crowned the new and rightful king of Hastinapur, there were celebrations all over. Krishna bid farewell to the Pandavas and returned to Dwarka.
He ruled over Dwarka for 36 years. It is believed that one day Krishna went to a forest and went off to sleep under a tree. Sometime later, a hunter named Jara was passing through the forest. Krishna was wearing yellow clothes and the soles of his feet were shining very brightly. The hunter mistook them to be the eyes of a deer. He aimed and shot a poisonous arrow which pierced one of Krishna's feet. As soon as Jara realized what had happened, he rushed to Krishna. But Krishna assured Jara that this was destiny. Then Vishnu's chariot appeared from the sky and Krishna sat in it and went to heaven. माधवी जी, हमने बात की फूड फॉर थॉट फाउंडेशन के करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में. भविष्य में आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेना चाहेंगी, क्या प्लान्स हैं? भविष्य में हमारा ये प्लान है कि हम हर हफ्ते एक कम्युनिटी लाइब्रेरी और एक स्कूल लाइब्रेरी खोलें. तो कम्युनिटी लाइब्रेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम हर विलेज में अगर एक लाइब्रेरी खोल लें तो ना सिर्फ एक छोटा वर्क बेनिफिट होगा, बट पूरे कम्युनिटी में हाउसवाइफ्स हुए या ओल्ड एज पीपल रहे, यंगस्टर्स जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, इन सबको मदद मिलेगी. क्योंकि कम्युनिटी में वी गिव नियरली 500 टू 1000 बुक्स जो सभी लोगों की मदद करें. तीसरी चीज़, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑफ द वे जाएँ, लाइक ट्राई आउट समथिंग लाइक ओपनिंग लाइब्रेरीज इन रेलवे स्टेशंस, जो वेटिंग रूम्स होती हैं वहाँ पर हम एक्सप्लोर करें. प्लस वी आर ट्राइंग विद वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कि उनके साथ मिलकर कुछ नया कंसेप्ट स्टार्ट करें, विच वी आर कॉलिंग एज अ वॉकिंग लाइब्रेरी. बहुत cool. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो इस सब चीज़ के लिए हमें मदद चाहिए कि दैट पीपल कम फॉरवर्ड, दे एक्सेप्ट दस, दे इंजॉय रीडिंग, कि हाँ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे बी अ पार्ट विद अस, नॉट ओनली इन बुक डोनेशंस और यू कैन गिव अस द रीजनल बुक्स, प्लस हेल्प अस आउट टू मूव डाउन टू द नेक्स्ट लेवल. बहुत खूब. तो अगर आपसे जुड़ना चाहेंगी, क्या कोई वेबसाइट या जी फेसबुक पेज है जिसके थ्रू जुड़ सकते हैं? हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, foodforthoughtfoundation.org, और उसमें हमने फ़ोन नंबर्स दिए हैं, मेल्स दिए हैं. आपको जो भी क्यूरी है, जो भी मदद करना चाहते हैं, आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं. 24 घंटे में आपको कोई ना कोई हमारे यहाँ से कॉल करेगा और फिर उसके थ्रू हम उसकी आगे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं. माधवी जी, आप यहाँ आई, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू. प्रिया, थैंक यू वेरी मच.